सब ठीक होंगे और बहुत अच्छा सा रमज़ान गुजर रहा होगा। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे मुसलमान लोग हैं, मुसलमान बहन भाई हैं किसी भी कंट्री में, उन सब का अच्छा रमज़ान गुजर रहा होगा। और हम पाकिस्तानी जो और किसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं अपने मुल्क से दूर, तो रमज़ान की याद वाकई अपने मुल्क में जो रमज़ान की बात है, जो मैं अगर सोचूँ तो पाकिस्तान में जो रमज़ान की बात है वो मुझे यहाँ पर नहीं फील होती, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग माहौल है, अलग ही वो है वो जो हमारे यहाँ रमज़ान में होता है। बाहर से जो स्नैक्स मिलते हैं और उनकी खुशबू और तरावियाँ और बाहर से अजान की आवाज़ आना, फजर जोहर, मतलब हर एक वो। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, यहाँ मोबाइल में अपनी ऐप्स डाउनलोड की हुई है, उसके थ्रू हम यहाँ पे इफ्तार करते हैं और अजान वगैरह सुनते हैं और फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो जनाब ये तो फिर अब हम परदेस वालों की ये मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ मीठा और ये कस्टर्ड बना रही हूँ। सेवैयाँ हैं इसमें, रंगीन सेवैयाँ डाली हैं। पहले खाली बॉयल दूध को किया और उसमें सेवैयाँ भी साथ डाल दी थी और साथ ही सेवैयाँ बॉयल हो गई। और उस बॉयल होने के बाद मैंने उसमें कस्टर्ड डाला और मैंगो फ्लेवर का मेरा कस्टर्ड था तो ये कस्टर्ड मैंने डाल दिया है। और ये अब इसको मैं थोड़ा सा और चूल्हे पे पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने ग्रीन कलर की जेली उसको रख दिया है फ्रिज के अंदर ताकि वो थोड़ी सी सेट हो जाए। और यहाँ पे मेरा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। तो आज मुझे कुछ बनाना नहीं था, मेरे हस्बैंड बना रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं बनाऊँगा आज काबली पुलाव, तो फिर मैंने कहा ठीक है मौका अच्छा है तो मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। और मेरी तो मौज है कि आज मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ रहा, वरना ऐसा बहुत कम ही होता है। तो जनाब यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो गया और मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम मिक्स की है, इसको मैंने बिल्कुल फेंटा नहीं है क्रीम को, क्योंकि ये इसके अंदर बस मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और जो मैं जेली जो है इसको क्रीम्स में मैंने नाइफ से कर लिया था इसको, और अब मेरे पास क्रीम है तो अब मैं ये डाल दूँगी और थोड़ी सी इसको साइड पर रख दूँगी ताकि मैं ऊपर से इसको जब मैं इसको बाउल में निकाल वो ऊपर से सेट करते हैं इसके ऊपर। बहुत अरसे से कुछ मीठा नहीं बनाया था, एक्चुअली मीठा हमारे यहाँ कम ही खाया जाता है, लेकिन जब भी बनाओ तो कुछ न्यू चीज़ ट्राई करने का दिल होता है। तो पहले मैंने सोचा कि इसको मैं फ्रूट्स के साथ बनाऊँगी, वो दूध पिलाई टाइप की चीज़ बनती है, वो भी बहुत मज़े का मीठा होता है। बट मैंने फिर मुझे था कि इतना रमज़ान में फ्रूट चाट अलग से बन रही है और मतलब डेली इस तरह की चीज़ बन रही है तो फिर खाली में इसी तरह इसको बनाती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ना मटन कुना कुना गोश भाई का फेवरेट ये तो इस्तांबुल में भी एक इस तरह की मस्जिद है, है ना? तुर्कियों की है। चलो फाइनली
तो ये है वो मस्जिद जहाँ इंशाल्लाह हम इस बरसात की नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे। पिछले साल कोविड की वजह से नहीं पढ़ सके और इस साल उम्मीद तो है कि दिन है, बाकी है रमज़ान तो मसला हल हो जाए, वरना अदरवाइज यहाँ पे लोगों को ये बुलाते हैं जो पैसे दुआएं जब कोविड का ये खत्म हो जाए तो बस देखते हैं अगर तो इन्होंने यहाँ से ये पाबंदी हटा दी है साल, तो यहाँ पे इंशाल्लाह सब जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, हम पढ़ेंगे इधर नमाज। अल्लाह हाफिज़।